स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम से ही रिलेटेड होंगी। आप इसमें ये मत समझना कि यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है वो आपके काम का नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपके काम की हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस रहिए, सारी चीज़ें आप एक वीडियो में ही सीख जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे बात है वो है इलेक्ट्रिसिटी की। अच्छा, एक और चीज़ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मैं एज अ रेफरेंस बुक यहाँ पे एस चांस को यूज़ करता हूँ। ओके, एस चांस जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो उनके बारे में बता दूँ। उसकी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बुक्स यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको इन केस परचेज करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिए अगर आपको परचेज करनी है। अदरवाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो डोंट वरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको पता है कि क्या चीज आती है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छी बात है, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई से डिनोट करते हैं ओके इलेक्ट्रिक करंट को। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आपको सिंपल इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्यू अपॉन टी होता है। फॉर्मूला इसका जो होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कैपिटल क्यू। अच्छा, जो यहाँ से देखिए, आपको पता होना चाहिए क्यू क्या होता है। क्यू होता है चार्ज। ओके, चार्ज होता है और टी क्या होता है? टाइम। ये टाइम है, ये कैपिटल टी नहीं है। ओके, इसे आप टेम्परेचर समझो, तो ये टाइम है। अच्छा जी, अब जो यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टरिंग वायर है, मैंने इसमें बैटरी भी करा दी, तो अगर कंडक्टर है, रेजिस्टेंस भी लगा दो। अच्छा, जब ये कंडक्टर है, इसमें से कोई अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या चीज है? अब देखते हैं, कोई भी कंडक्टर में से अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कर रहा है विद इन अ टाइम लिमिट, किसी टाइम में, किसी वक्त में, किसी भी वायर से, कोई भी कंडक्टर से आपका पास हो रहा है क्या कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज, तो उसे हम लोग कहते हैं करंट। क्लियर? देखते हैं कैसे। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो मूव कर रहा है इसमें से। क्लियर? अब जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना टाइम ले रहा है? वो टी टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा वो आपको दे देगा करंट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन टी। करेक्ट? इतनी बात क्लियर है? इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा आपके। कैसे आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इफ टू कूलम इज द चार्ज, ओके, देन फाइंड आउट हाउ मच करंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन 1 मिनट। क्लियर? सो 1 मिनट बोल दिया उसने बोल दिया 1 मिनट में आपको कितना चार्ज फ्लो होगा, अगर चार्ज फ्लो होगा इन द सेंस कि करंट कितना फ्लो होगा उसमें से, अगर 2 कूलम का चार्ज उसमें से फ्लो होगा। अच्छा, देखते हैं जरा, टी हम लोगों को दे रखा है। अब यहाँ पे जो टी है वो आपका सेकंड्स में होता है, तो इसे जो सेकंड में चेंज कर लीजिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, 60 सेकंड्स। क्लियर? अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। मीन्स इसका क्या होगा? क्यू की वैल्यू हो गई 2 कूलम अपॉन This is 60, इसे आप कट कर लेंगे, आराम से आपका समथिंग वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू के साथ आपको ऐड करना है SI यूनिट ऑफ करंट। What is the SI यूनिट ऑफ करंट? SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्लियर? तो अभी जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कोई चार्ज अगर किसी कंडक्टर से कुछ टाइम के लिए फ्लो होता है तो उसे हम करंट कहते हैं। Clear? तो यहाँ पे वही चीज बताई गई, तो सिंपल फॉर्मूला भी बन गया है कि I करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर कंडक्टर। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, वो बता देता हूँ। जो ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू होता है एम क्यू, स्मॉल क्यू। एम हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मच नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग। ओके, तो ये नंबर है, दिस इज अ नंबर, ये आपको दिया हुआ होगा। और ये जो स्मॉल क्यू है, इसकी एक वैल्यू होती है,
स्मॉल क्यू की जो वैल्यू होती है मींस ये है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आपका आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, उसकी वैल्यू बताई जा रही है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होते हैं? द मटेरियल व्हिच आर यूजुअली लेट मूव द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। मतलब ऐसी मेटल्स या फिर ऐसे चीजें जो अपने अंदर से चार्ज को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देती हैं, वो कंडक्टर्स कहलाती हैं। मैंने इस लाइन को बोल के आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दिया है, अभी डिफाइन करूंगा कैसे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर दी है, ठीक है। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करेंट को या फिर टेम्परेचर को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर? अच्छा, अब जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स क्या करते हैं? दीज आर द अपोजिट ऑफ द कंडक्टर्स। दीज आर द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट लेट पास द फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम। मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीजें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को या फिर टेम्परेचर को पास आउट नहीं होने देती, उन्हें हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको शायद पता हो ना पता हो, लेकिन सिल्वर इज कंडक्टर, बट इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इसके बाद आपका आता है कॉपर, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, लाइक दिस। तो ये सारी आपको मेटल्स, जो मैक्सिमम मेटल्स जो होती हैं वो कंडक्टर्स होती हैं और गुड कंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, अब इंसुलेटर्स में आपको पता ही है वुड, बट वुड कौन सी? ड्राई। ये नहीं कि आपने नीम की लकड़ी तोड़ी ताजी ताजी और उसमें से आपने लगाया कि हाँ भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी क्योंकि सर ने बोला कि वुड होती है, ठीक है, और पता चला उसमें नमी रही और आपको करंट मार के चला गया, सर वाली हमें तो गलत बात है। ठीक है, तो वुड हो गया। ओके, इसके साथ में आपको पता है प्लास्टिक हो सकती है, रबर हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है। क्लियर? कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में बात कर ली है। अच्छा, आपको बता दूं कि जो आपके वायर्स होते हैं, तो जो वायर होता है, मैं वायर बना रहा हूँ, ड्राइंग अच्छी नहीं लेकिन फिर इसके अंदर ये आपका होता है मेटल, ये मेटल है, ये आपका होती है या तो प्लास्टिक होती है या रबर होती है, या तो रबर कोटेड होता है या प्लास्टिक कोटेड होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो आपकी है रबर कोटिंग क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो मेटल है जिसमें से पास हो रहे इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से करंट पास हो रहा है। अच्छा, अब जो इसमें जो मेटल है उसमें से पास हो रहे हैं आपके करंट, इसका मतलब है कि उस करंट को ना लगे किसी को, अगर वो वायर पकड़े तो उसके लिए हमें कोई कोटिंग देनी पड़ेगी, दैट शुड बी अ इंसुलेटर। तो ये क्या होगा आपका? इंसुलेटर। इतनी बात समझ आ गई? और ये जो मेटल है वो तो आपको कंडक्ट कर ही रहा है, दैट मींस दिस इज कंडक्टर। अब जो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग करंट या इलेक्ट्रिसिटी की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज और होती है, दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये छोटा सा बात है, लोगों को नहीं पता होती, लेकिन स्टैटिक जो होती है इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी मैक्सिमम होती है बैटरीज में, ठीक है, और जो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो तो आपको जो नॉर्मल सप्लाई में आती है, ठीक है, वो होती है। क्लियर? अब स्टैटिक क्यों बोला, उसे रुकी हुई क्यों बोला? रुकी हुई इसलिए है जब तक आप इसमें अप्लायंसेस नहीं जोड़ोगे, ठीक है, तब तक ये मूव नहीं करेगी, स्टार्ट नहीं करेगी मूव करना। क्लियर? तो ये बैटरी अगर आपकी हो गई, ठीक, तो इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव में आप कुछ अपने वायर्स लगाओगे, उसके बाद अप्लायंस आपका चलेगा, तब ये स्टैटिक नहीं रहेगी। क्लियर? लेकिन जब तक ये स्टोरेज की फॉर्म में है तब तक ये स्टैटिक है, बट जो आपका करंट सप्लाई होती है, जो आपकी रहती है नॉर्मल, आपकी जो बिजली वगैरह रहती है, जैसे पंखे वगैरह चलते हैं, सब कुछ है, जो आपको सप्लाई की जाती है वो आपकी मूव करती रहती है, वो स्टोर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो स्टोर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक होती है और फ्लो फॉर्म में जो होती है वो आपकी करंट होती है। इतनी बात क्लियर है? अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप एक बार जान लीजिए, ये और आपका पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लगभग सेम है, ठीक है, वैल्यू सेम आती है। एक डेफिनेशन इसके डिफरेंट है, डेफिनेशन क्या है बता देता हूँ, ठीक। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई भी एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उस अमाउंट को करते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, टू गेट अ पॉइंट चार्ज इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ इनफाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर, जो बोला वो चीज समझ आ गई। अच्छा, अब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये आपकी बात क्लियर है, देखो, ठीक। तो ये जो आपकी बात, ये चीज क्लियर हो चुकी है। जैसे डिनोट करने के लिए अगर मैं बताऊं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझो आप, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा उसे डिपेंड करता है। क्लियर, यहां पे आपने एक बैटरी लगा रखी थी सपोज करें, ठीक, यहां से आपने एक वायर निकाल लिया, यहां से एक वायर निकाल लिया, यहां पे दूसरी बैटरी लगा रखी थी, ठीक। अब यहां पे कुछ और पोटेंशियल होगा, यहां पे कुछ और पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, इसमें ही हम लोग यूज करते हैं आपका, इसमें हम लोग जो यूज करते हैं आपका इसे क्या बोलते हैं, जज करने के लिए, इसे नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हम लोग यहां यूज करते हैं और हम लोगों को पता चल जाता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, वो है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आपने बात समझ ली, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो है कि उसकी यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद है मैंने बताया था आपको करंट आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अच्छा, जो एम्पियर की बात आ गई तो समझ लो मिली एम्पियर भी होता है, माइक्रो एम्पियर भी होता है। एम ए लिखते हैं, ये होता है 1/1000 ऑफ एम्पियर। क्लियर, 1/1000 ऑफ एम्पियर, ठीक, दैट इज मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ एम्पियर। अगर माइक्रो एम्पियर निकालना है, ठीक है, तो आप कर देंगे 1/1000 ऑफ मिली एम्पियर। क्लियर, और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्लियर, एंगस्ट्रम नहीं है, ये बात याद रखिए, दिस इज नॉट एंगस्ट्रम, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये यूनिट है डिस्टेंस की, लेकिन स्मॉल डिस्टेंसेस की। ओके, ये जो होती है आपकी होती है 10^-10 मीटर। क्लियर, तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर होता है, तो मीटर है यानी डिस्टेंस की यूनिट हो गई। और यहां पे जो आपका है एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, तो मिली एम्पियर हो गया और माइक्रो एम्पियर हो गया, ये तो हो गए। एम्पियर जो होता है उसे जज करने के लिए, फिर करंट को जज करने के लिए क्या यूज करते हैं, करंट को हम लोग नापते किससे हैं, कौन सा एपरेटस यूज होता है, उसे बोलते हैं हम लोग एमीटर। क्लियर, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग नापते हैं किसे, या किलोमीटर से। अमीटर किसके लिए यूज हो रहा है, करंट को जज करने के लिए, ठीक, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। क्लियर, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर, और हम लोग अमीटर यूज कर रहे हैं करंट को जानने के लिए कितनी वैल्यू है करंट की, इतनी बात क्लियर है। और वोल्ट मीटर यूज होता है वोल्टेज के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई ना,
एक बात और समझ लो यहीं पे, जब मैंने बात बोली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है और इलेक्ट्रिक करंट, अब इसमें एक जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों में, जो इसके ऑपरेटर्स है जिनसे नापा जाता है उन दोनों में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखते हैं। वो क्या पॉइंट है कि जो आपका होता है अमीटर, अमीटर अमीटर को हमेशा हमेशा सीरीज में लगाते हैं, मींस ये आपका अमीटर हो गया, इसके बाद आपका ऑपरेटर लग सकता है, क्लियर। बट जो आपका वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर जो होता है वोल्टमीटर को हमेशा लगाते हैं पैरेलल में। ये चीजें आएंगी बताऊंगा तब, ठीक है, लेकिन अभी यहां पे जान लो, ये सब बहुत जरूरी है चीज जानना। तो ये आपका जो है इसके पैरेलल में लगता है ये वोल्टमीटर, क्लियर। और एक बात है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी लो और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी हाई। इतनी बात क्लियर रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन में आपको वोल्टमीटर हो सकता है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है, अमीटर हो सकता है, नन ऑफ द अबव हो सकता है, क्लियर। तो आपको लगाना होगा वोल्टमीटर, क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल या सीरीज, ओके, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, टिक मार्क, जैसे क्वेश्चन पूछेगा हर तरीके क्वेश्चन आपको जवाब दे पाओगे। यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए, ठीक, जो एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था उसके बेस पे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सुनना और जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो समझना। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी रिक्वायर फॉर 12 वोल्ट ऑफ बैटरी, ओके, टू प्रोड्यूस चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम ले लो आप, 3 कूलम ले लो, ओके, 1 कूलम ले लिया, ठीक है। तो आपको यहां पे दे दिया 1 कूलम, सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज पी, पुट द वैल्यू, 12 इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर 1, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड, डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 जूल, 12 जूल डायरेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकता था, ओके, क्वेश्चन डिफरेंट क्या हो सकता था, इफ 12 जूल वर्क डन इज प्रोड्यूस्ड और इज यूज्ड, ओके, बाय व्हाट, 3 कूलम चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वैल्यू दैट की 12 जूल डिवाइडेड बाय 3c, so this battery is having how much amount of voltage, that is having potential difference of 4 volt। इतनी बात क्लियर। अब जो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात है डायरेक्शन ऑफ करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें बहुत सी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा देखेंगे। आपको पता है ये जो बैटरी होती है यहाँ पे कुछ भी मतलब होगा, ठीक है, अब समझो ये बैटरी है, बैटरी के बारे में पहले समझ लो, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, इतनी बात क्लियर। अब जो मैंने आपको कंडक्टर में एक बार बताई थी वो थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कोई भी चीज कंडक्ट इसलिए करती है टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दीज आर द फ्री, बिकॉज ऑफ दिस द ट्रेवलिंग ऑफ करेंट एज वेल एज टेम्परेचर कैन हैपन, क्लियर। देखिए क्योंकि इसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये जो बैटरी है, अब इस बैटरी में बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, जो नेगेटिव है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको क्या लगता है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और सेम जो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, क्लियर। अब यहां पे जो बात उठ रही है कि भाई यहां पे क्या चीज है समझ नहीं आ रहा, तो समझो पॉजिटिव नेगेटिव अटैक करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इसका मतलब क्यों बताया हमने, यहां पे नेगेटिव,
अगर यहाँ पे आपका निगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन आया जो निगेटिव चार्ज का है, तो क्या करेगा, वो जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, आया ना, तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इतनी बात क्लियर? अब इससे कोरिलेट करते हुए समझो कि डायरेक्शन ऑफ करंट, सोच रहे होगे ना कि करंट की डायरेक्शन बताने की बात हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता बैठे, नहीं, यहां रिलेटेड है, समझो। ये बात हमेशा याद रखना कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो यही पे हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन जा रहे हैं। तो आपको यहां पर क्लियर भी हो गया जब मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो यहां से इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो आपका क्या है, करंट की डायरेक्शन है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको क्लियर हो चुकी है। लिखना चाहे आप लिख सकते हैं कि क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट ये चीज आपको समझनी है, यहां आपको लिखना नहीं है ये चीज, मतलब आप एज ए नोट्स आप बना रहे हो तो आप बिल्कुल लिखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये चीज आप वहां पे फाइनल एग्जाम्स में मत लिखना। आपसे ये चीज पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप आंसर दोगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लियर? सिंपल इज दैट। अब जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की और उसमें जो यूज हो रहे हैं सिंबल्स उनकी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल समझे, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। अगर ये वायर्स है, ठीक, यहाँ पे आपकी कोई बैटरी लगी है, समझ सकते हो बैटरी नहीं छोटी सी, ठीक, इसमें एक मैंने क्या लगा दी, ये है स्विच, मैं से नहीं बना पाया लेकिन हाँ स्विच बनता है। अच्छा, इसे अभी जो सिंबल्स बनाऊंगा बैटरी और सबके, वो सारे सिंबल्स अलग होंगे, ठीक, और यहाँ पे एक लगा दिया आपने, मेरा बल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो प्लीज डोंट माइंड। तो ये कुछ इस टाइप का होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें एक सोर्स होना चाहिए, ठीक, उस सोर्स को ऑपरेट करने के लिए एक स्विच होना चाहिए, और दूसरी चीज जो अप्लायंस से आपको चलाना है वो होना चाहिए, और एक मेन चीज कनेक्ट करने वाले वायर समझिए, कनेक्शन जोड़ने वाली चीज होनी चाहिए। इतनी बात ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे जो हम लोग बहुत सारे सिंबल्स देखने जा रहे हैं उन सबके मीनिंग्स क्या है, उनका मतलब क्या है वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अब जो हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक सिंबल्स या फिर उनका डिनोटेशंस, ठीक। आपने एक एक सेल बना दी, इसे बोलेंगे सेल, या किस सेल है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन और ये कनेक्टिंग वायर का साइन निकाल दिया, ठीक है। अब अगर आपने एक से ज्यादा सेल कनेक्टिंग वायर से आपने जोड़ दिए तो उसे हम लोग बैटरी बोलते हैं। बहुत जरा सा नाइट सा डिफरेंस है, बहुत अच्छे समझ लो, एक सेल और बैटरी में, सेल जो होता है, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ एक दिखाना है सिंबल, और वैसे ही अगर सिंबल्स जुड़ते चले जाए तो एक बैटरी बन जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब तीसरी हम लोग बात करते हैं, ये किसी भी चीज के रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अभी जो रेजिस्टेंस ही फिक्स है, ये मैं बताऊंगा क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे फिक्स, क्योंकि अगला जो आने जा रहा है वो रेहोस्टेट, वो रेहोस्टेट का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस तरीके से,
रियोस्टेट का ये सिंबल होता है, रियोस्टेट मतलब वो फिक्स नहीं हुआ, वैरी करा सकते हो, रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, एक छोटा सा अपरेटस होता है, आप जब लैब में जाओगे हो सकता है आपको देखने मिल चुका हो, आप अपने देखेंगे, ठीक है। तो रियोस्टेट का काम होता है उसमें से आपका ऐसे करके एक पॉइंटर लगा होता है जिससे आप मूव कराओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इसे हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट, स्पेलिंग का चेक कर लो, रियोस्टेट कहते हैं इसे, क्लियर। वायर्स का जंक्शन पॉइंट कैसे दिखाना है, वायर्स से कैसे ओवरलैपिंग दिखानी है वो देखते हैं। देखिए वायर एक है उसमें दूसरा वायर ऐड करना है तो ऐसे दिखाएंगे, एक ये वायर का जंक्शन पॉइंट है और वायर अगर ऐसे गया है तो ये ओवरलैपिंग हो रही, ओवरलैपिंग मींस ऊपर से निकल जाए, टच नहीं कर रहा है, ओके, नो टच, बट दिस इज जंक्शन, दिस इज जंक्शन, दिस इज नॉट टच्ड वायर्स। अब जो यहां पे मैंने बनाए हैं उनके नाम लिख लेते हैं, देखो ये तो नॉर्मल वायर का सिंबल है, ठीक है, तो ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, ये आपका एम्पियर, एम्पियर कर रहा हूं फिर से, अमीटर हो गया, अमीटर, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये आपका है ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब है कि इसमें से अभी इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगी क्योंकि ये देखना टच नहीं है, बहुत सारे टच नहीं है, ये टच है, तो ये क्लोज स्विच हो गया, ओके, इतना क्लियर, जिस टाइप से होता है इसे और भी एक तरीके से बना सकते हैं ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन है, इलेक्ट्रिक बल्ब, क्लियर, इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हम लोगों को बात करनी है वो है ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। अब ओम्स लॉ के बारे में कुछ बात करने से पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी समझ लो, थोड़ी सी कहानी समझ लो, क्यों जरूरत थी ओम्स लॉ की। होता क्या था कि जितना हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते थे उतना हम लोगों को आउटपुट में एम्पियर में करंट नहीं मिलता था, करंट हम लोगों को उतना नहीं मिल पाता था, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए ओम, ओम नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक रिलेशन दिया कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और वही बेसिकली आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्यों वोल्टेज तो आप प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन करंट उतने लेवल पे हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो उस रेजिस्ट करने वाले प्रॉपर्टी को नाम दिया गया रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करने का मतलब समझ लो, आप सिंपल सी बात है, आप किसी भी चीज से आप जा रहे हो, आप नॉर्मल तेज दौड़ना स्टार्ट करते हो आपको तेज से हवा लगनी स्टार्ट होती है, आप नॉर्मल एक एग्जांपल ले लो, आप बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, आप बहुत स्पीड में चला रहे हो, आपको रेजिस्टेंस करती हुई हवा लग रही है, तो वही रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल में भी होता है अपना रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो हो रहे हैं ना इलेक्ट्रिक करंट में, तो उनके फ्लो को रोकती है। सिंपल समझो, एक टैब खोल दिया, उसमें आपका लगा हुआ है क्या, आपका पाइप लगा हुआ है, अब जब पाइप लगा हुआ है तो आपको पाइप को क्या करना है, आपको पाइप को हल्के से बीच में से दबा देना है, या फिर आप बिल्कुल कॉर्नर पे जब जहां से पानी निकलता है नॉजल में वहां पे आप उंगली रख देते हो, अंगूठा रख देते हो, तो क्या होता है बहुत स्पीड में निकलता है, इसका मतलब आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, वहां पे रेजिस्ट कर दिया, तो अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट जितना जा रहा था एक पर्टिकुलर फ्लो निकल रहा था उससे तो कम फ्लो निकल रहा है ना, वही चीज होती है। बात करते हैं रेजिस्टेंस या ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ। अब ओम ने जो ये बताया उसने सिंपल सी बात कही कि देखो कि भाई आप सिंपल से चीज समझो कि जो आपका ये होता है क्या कहते हैं जो फैंस होते हैं, फैंस के लिए रेगुलेटर आप यूज करते हो, तो रेगुलेटर में आप रेगुलेट क्या कर रहे हो, वोल्टेज रेगुलेट कर रहे हो, तो वोल्टेज बढ़ाने पर क्या चीज बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज आप बढ़ाते हो उस हिसाब से आपका फैन जो होता है रोटेशन देता है, स्पीड बढ़ती है फैन की, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, करंट। तो इस बात से ये निकाला उसने एक कंक्लूजन कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, वैसे बनता तो कुछ ऐसे है, ठीक है, लेकिन इन जनरल लोग ऐसे बनाते हैं, मैं बनाता हूं फिलहाल, लोगों का नहीं पता मुझे, ठीक है। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट,
वोल्टेज सप्लाइड। क्लियर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ओके अच्छा, अब आपको एक बात पता होगी कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां पे जो लगाया गया वो इस डायरेक्शन में लगाया गया, बताता हूं कैसे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं वी क्या हो गया, मैं इक्वल टू लगा के मैं इस नॉर्मल हम लोगों की जो ट्रेंड है मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये एक आपका फॉर्मूला बन रहा है, ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक। यहां पे जो आर है वो होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक। इसके बारे में हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ओम्स लॉ समझ लो। ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ओके, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे एक चीज छूट गई, क्या छूट गई, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, हर एक मटेरियल ये चीज शो करता है कि जो करंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे। अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं है तो ऊपर नीचे हो सकती है इनकी वैल्यूज, ठीक है, इसलिए उसने कहा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद उसने दिया कि भाई आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी इज इक्वल टू आई आर, आर यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी उसने यूनिट बता दी, अपने नाम पे नामकरण कर दिया, भैया कोई कुछ कर सकता है, तुम्हारे जो ललन चुनिया नाम के भवानी सर की याद है, तो तुम्हारे जो ललन चुनिया जो होते हैं उनका नाम तुम खुद ही डिसाइड करते हो ना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का भी नाम उसने अपनी यूनिट बना दी अपने नाम पे, तो ओम यूनिट है इस रेजिस्टेंस की। इसे लिखते कैसे, ये देख लो, ये बनाया, ये घुमाया, ये घुमाया, ये है आपका ओम का साइन, ये है आपका ओम का साइन। क्लियर, अच्छा इतनी बात क्लियर है। रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा और, ठीक है। तो V is equal to IR is the formula, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। इस पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट याद कर लेना, ठीक है, बुक में दिया हुआ डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, साथ में आपको ये चीज बता दी है, ठीक, याद कर लेना, डायरेक्ट आपसे पूछेगा क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ओम्स लॉ, डिफाइन ओम्स लॉ, उसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा जोड़ देगा। क्वेश्चन क्या जोड़ेगा, क्वेश्चन इस टाइप का जोड़ देगा कि इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ओके, हैविंग अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो क्या दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी 2 एम्पियर, क्लियर, वोल्टेज कितना दे रखा है 4 वोल्ट, आर निकालना है, यहां से मैथ्स तो पढ़ी है ना, बेसिक मैथ्स, तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो वी अपॉन में आई चला जाएगा ना, तो R is equal to V upon I, कहां से आया, from Ohm's law, Ohm's law से बना ना, ठीक। अब देखो R की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज दे रखा 4 वोल्ट, 2 एम्पीयर इधर रख दो, 2 ओम, R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। क्लियर है, इतनी बार क्लियर हो गई, समझ आ गई, एक बार फिर देख लो। Ohm's law क्या कहता है कि at constant temperature current is proportional to voltage, ठीक है, उसे ऐसे लिख लिया, उसके बाद उसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जब फॉर्मूला बन गया तो आप उसके बेस पे आप बता सकते हो कि ओम जो होती है वो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात है, क्वेश्चन का जो होगा आंसर इस टाइप से निकाल सकते हो। इसमें देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस निकालो, आपसे वोल्टेज पूछ सकता है, आप आई की मल्टीप्लाई जो आपको एम्पियर में करंट दे रखा उसकी मल्टीप्लाई कर दो आप रेजिस्टेंस से ओम से, आपको करंट पूछ सकता है, आप वी को डिवाइड कर दो आर से, 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, देख लेते हैं। V is equal to IR, first formula. I is equal to V upon R, second formula. और R is equal to V upon I. Important, important, important. ये तीनों important है. Clear? तो Ohm's law के बारे में इससे बाहर आपका question नहीं जाना चाहिए, जहां तक मुझे पता है. ठीक है? देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा है. ठीक? Formula वही लिखे हैं. उसके अलावा मैंने कुछ और लिखा है. V is equal to I. ठीक है, यहां से क्या आप ये देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था I proportional to V, I एक और चीज के proportional है, या फिर बोले inversely proportional है। देखो जो direct multiply में होता है, अगर मैंने I निकालना है मैं क्या करूंगा, आई आर इज इक्वल टू V है, ठीक, मैंने V को छोड़ दिया है, सब 1 मान लो, मान लिया 1, R को आप इधर ले लो, ठीक, तो I इज इक्वल टू 1 upon R। यहां मैं बोलूं कि आई अगर बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू कम होती जाएगी,
यहाँ पे समझ आ रही है इस चीज को, समझो इसे, एक चीज समझो मैथ्स में, ठीक है। अगर मेरे पास आई की वैल्यू निकालनी है, मेरे को डिफरेंट आर्स दे रखे हैं, ठीक, 0.2 दे रखा है मुझे आर में, तो मैं क्या करूंगा, 5 हो गया, मतलब ये 5 है तब ये 2 है, क्लियर। अगर मैं यहां पे कर दूं कि 0.5 था तो क्या हो जाएगा, 10, ये 2 आ जाएगा, तो आपकी ये 5 हो गया तो ये 2 हो गया, समझो क्या हो रहा है। करंट अगर ज्यादा है तो आर की वैल्यू होगी कम, करंट अगर ज्यादा है तो आर की वैल्यू कम, और अगर करंट कम हो जाता है तो आर की वैल्यू बढ़ जा रही है। देखो आई डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा, समझ आ रही बात, यहां पे वही रिलेशन है, इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये वन अपॉन आर मत पढ़ना, आई मैंने बोल दिया मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स आपको इनवर्स पढ़ा होगा, वन अपॉन एक्स, x का इनवर्स 1/x होता है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चीज होती है, ठीक। तो i अगर बढ़ेगा तो r घटेगा, अगर r बढ़ेगा तो i घटेगा, मतलब एक के बढ़ने की वजह से दूसरा बढ़ेगा नहीं, घटेगा। यहां पे क्या हो रहा था, करंट भी बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट घटेगा वोल्टेज भी घटेगा, क्लियर। तो जो चीज इस पर डिपेंड कर रही है, अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया कि ये ग्राफ क्या है, ठीक, ये जो ग्राफ है नॉर्मल पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ क्या होता है, तो वो ऐसा होता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे आप अगर ग्राफ पेपर पे आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन आपके पास अभी एपरेटस नहीं होगा, नहीं तो आप आपके में अगर कराया जाए तो आप उसमें देख सकते हो, एक पर्टिकुलर वो होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो उसमें आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे आपकी करंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो जब दोनों बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना, हर बार बढ़ता जाएगा, ठीक, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आपको होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में ग्राफ। अब यहाँ पे जब लोग बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यह वायर है, ये मैं सोचना है ट्यूब ले ली, वायर है उसे एक्सपेंड करके दिखाया, समझो किसी वजह से लिया होगा। यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको क्या लगता है, पहली चीज आपको बता दूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ठीक। आप इस चीज को ऐसे करो, आप कोई भी आपका सर्कुलर है कोई भी पूरा, ठीक है, तो उसे आप ऐसे काटो, तो ये आपका जो दिखा है ये आपका एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। तो इस एरिया को बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। यहाँ पे इसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। दूसरी चीज है इसकी लेंथ कितना लंबा है, क्लियर। अच्छा जी, अब यहां पे एक चीज आती है, वो हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/a, a ये वाला है नॉर्मल एरिया एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कि अगर आपने छोटा मुंह कर दिया पाइप का तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, हाँ कि ना, तो छोटा मुंह कर दिया एरिया आपका कम हो गया, जब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग व्हेन यू आर गोइंग टू डिक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप सिंपल से एग्जांपल याद करो कि आपने टैप वाटर आपने ऑन किया, उसमें आपका पाइप लगा हुआ है, जब पाइप लगा हुआ है पाइप को आपने ऐसे दबा दिया, क्या किया पाइप को दबा दिया, अब जब दबा दिया तो क्या वो आपका छोटी जगह से बहुत ज्यादा फ्लो भी निकल रहा है, इसलिए फ्लो भी आपका निकल रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ वाटर तो कम निकलेगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर कम निकल रहा मतलब रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस आपने ज्यादा किया तो एरिया हो गया कम, तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अच्छा जी, दूसरी चीज है रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी लंबी आप पाइप ले लो, ठीक है, हर जगह पे उसमें रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, आप जितनी दूरी आप तय करोगे बाइक से, ठीक है, उतनी दूरी में आपने रेजिस्टेंस तो ज्यादा झेला ना, एयर का रेजिस्टेंस आपने ज्यादा झेला, वही यहाँ पे बात है कि जितनी आप लेंथ बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ता रहेगा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनने जा रहा है, क्या आर, अगर मैं इन दोनों प्रोपोर्शनल को एक साथ कर दूं, ये एल ये ए ये वन है तो वन की जगह मैं एल लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए,
ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग कॉन्स्टेंट लगाएंगे और वो कॉन्स्टेंट होता है रो। ये कुछ ऐसे बनता है, ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक। यहाँ पे जो हम लोग एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे क्या आएगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई और इक्वलिटी लगाई, ठीक। यहाँ पे जो हम लोगों ने ये चीज लगाई है इसे बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। यहां पे मैंने एक चीज आपको डायरेक्ट पढ़ा दी कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, दो चीजों के साथ में डिपेंड करता है कि जो आपने मटेरियल लिया है उसका नेचर क्या है। मे भी किसी मटेरियल में ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, तो वो चीज जरूर होगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो इनेबल्ड, ठीक, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये चीज उस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि कितना उस पर्टिकुलर पदार्थ का या मटेरियल का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हर एक मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है उसके लेंथ के, ठीक। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, एल अपॉन ए रो इज इक्वल टू आर, यानी रेजिस्टेंस। अगर मैं रो की वैल्यू निकालना चाहूं तो रो क्या बन गया यहां से, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल बन गया, ठीक है। अब जो आर ए अपॉन एल है इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने कहा आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, एनसीईआरटी से ही ट्राई करिएगा, कोई आप बड़ी बुक मत लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे और सिंपल एक नॉर्मल लेवल के बनेंगे। वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपको पता है या नहीं पता है, क्लियर। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब जो रेजिस्टिविटी की है, कुछ वैल्यूज होती है, ये 10^-3, 10^-2, 10^-6, बहुत बहुत रेजिस्टिविटी कम भी होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से वैल्यूज होती है, वो आपको बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में शायद नहीं दी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है, मैंने इसकी आपको यूनिट नहीं बताया, मैं भूल गया था, रो यूनिट क्या होगी, आपको क्या लगता है, जरा देखते हैं यहाँ से। आर, आर की क्या होती है, ओम। एरिया, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ की भी मीटर होती है, तो मीटर क्या कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो रो की वैल्यू हो गई ओम मीटर, रो की जो ऐसा यूनिट हुई वो हुई ओम मीटर, याद रहेगी, इसीलिए डिफाइन कर दिया आपको कैसे हुई है, यहीं से आई है, ठीक है। तो इतनी बात आपके हो गई रेजिस्टिविटी की, क्लियर है। अच्छा जी, एक बात आप और याद रखिएगा कि सिल्वर जो होगा उसकी रेजिस्टिविटी, उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा होगी, तो इसका आंसर मुझे देना कमेंट बॉक्स में। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपने कितने अच्छे से चीजों को सीखा है। एक बार और याद दिला दूं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है इसे जरा खुद पढ़ना, डिफाइन मैंने कर दिया है, और फिर उसके बाद मुझे बताना कि रेजिस्टिविटी होती क्या है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जरा लिखना, जानना चाहता हूं कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैंने कुछ बात की है रेजिस्टिविटी से ही रिलेटेड, कुछ चीजें मुझे लग रहा था कि छूट रही है, मैंने उस चीज को इसमें ऐड कर दिया है। देखते हैं कि रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो है डिपेंड करती है किस चीज पे, सब्सटेंस का जो नेचर है, जैसे रेजिस्टेंस कर रहा था, और टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कितना है, ठीक। कि टेम्परेचर अगर वैरी करेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर आपका रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो आप हीटर यूज करते हो या फिर प्रेस यूज करते हो, उसमें जो वायर यूज होता है वो होता है निक्रोम का। ये एक एलॉय है, ये मिक्स्ड मेटल है, निकिल और क्रोमियम, ठीक। निकिल और क्रोमियम का जो वायर यूज हो रहा है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, हाई ऑफ मेटल्स विच गिव्स हीट ऑन प्रोवाइडिंग करंट, यानी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी किस मटेरियल की, जो करंट लेने पर या फिर करंट पास कराने पर अपने आप को हीटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आपको सिंपल से पहचान आपको मिलेगी कि अगर कोई भी वायर आपका हीटअप हो रहा है, दैट मीन्स उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, क्लियर है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, क्लियर। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं
वो है रेजिस्टेंस कैसे कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, दो तरीके से ऐड किया जाता है। कैसे? एक होता है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है जैसे आप लगातार होना, लगातार बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, ठीक, तो एक फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, दिस इज कॉल्ड सीरीज। एक होता है पैरेलल, एक होता है पैरेलल। तो पैरेलल में एक ये है, पैरेलल मतलब समझे ना कि इसके ऊपर फिर उसके ऊपर, लाइक ऊपर नीचे वाला हिसाब है, समझो ये बराबर में है, ऊपर नीचे ये चीज दूसरी, ये चीज तीसरी, लाइक दिस इज कॉल्ड पैरेलल। इतना आपको बेसिक आइडिया देना जरा सा। अब देखो हमने जुड़े कैसे, एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये सीरीज में है। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3। यहां पे क्या हो, यहां पे एक ये सोर्स है, ये भी सोर्स है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरीके से आप पैरेलल में देखेंगे, ठीक है। तो पैरेलल और सीरीज में यही एक डिफरेंस है, ठीक, कि इसमें ये भी R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4। एक बात याद रखना, इसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकलता है, इसमें, इसमें सीरीज में, तो इसमें टोटल R जो निकला, रेजिस्टेंस जो निकला, वो सिंपल एडिशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस हो जाता है। दैट मींस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन जितने होंगे। यहां पे जो होता है थोड़ा सा इस तरीके से होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा 1 अपॉन R होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। इस तरीके से एडिशन होता है, इस तरीके से रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है और इस तरीके से रेजिस्टेंस ऐड होता है पैरेलल में। अब यहां पे बात करते हैं कि ये जो सीरीज और पैरेलल में लग रहे हैं ये हो कैसे रहा है। देखिए जो आपका सीरीज होता है, ठीक, उसमें याद रखना सीरीज में वोल्टेज जो टोटल होगा वो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री सो ऑन, जितनी बैटरीज जुड़ी हुई होंगी उन सबका टोटल होगा वोल्टेज, ठीक, सीरीज में, ठीक है। अब इससे दिखाता हूं कि आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कैसे होगा, ठीक। आप वी वन वी टू वी थ्री है, इसमें वी इज इक्वल टू आई आर होता है, V is equal to IR होता है, यहाँ पे I है कांस्टेंट, करंट इसमें से कांस्टेंट जाता है, याद रखना सीरीज में से करंट कांस्टेंट जाता है, ठीक, तो I हो जाएगा आपका कॉमन। अच्छा, तो यहाँ पे आप रखते हैं V, सॉरी V is equal to, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, IR आपने लिख दिया, यहाँ पे I करंट कॉमन से I लिखूंगा, I1 I2 नहीं लिखूंगा, ये R1 plus I R2 plus I R3, ठीक है। अब देखो यहाँ से I कॉमन हो जाएगा, यहां से यहां से यहां से, तो I into R is equal to I R1 plus R2 plus R3 कैसे लोगे, R क्या आया, R1 plus R2 plus R3, क्लियर। ये होता है आपका सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वोल्टेज टोटल बना होता है इसका, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज का। अब सीरीज में आपका जो करंट होता है वो कॉमन होता है, कहीं से भी निकल रहा हो करंट आपका सेम निकलेगा, याद रखना आई सेम, याद रखना इस चीज पे, ये आपको बहुत यूज होगा जब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ठीक। पैरेलल की बात कर लेते हैं, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट जुड़ता चला जाता है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज जुड़ा था वहां पे करंट जुड़ता है। देखो I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस सो ऑन, ठीक। आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, V is equal to IR, यहां से I is equal to क्या आ जाएगा, V upon R, V upon R आएगा, और यहां पे वोल्टेज होता है कॉमन, वोल्टेज सेम होता है, यहां पे वोल्टेज सेम होता है, कांस्टेंट बोल सकते हैं, सेम है कांस्टेंट बात है, ठीक। तो यहां पे जरा मैं वैल्यू रख लूं V upon R करके, देखो V upon R हो गई पहले के लिए, क्योंकि अभी टोटल आएगा रेजिस्टेंस के, मैंने R लिखा यहां पे, V upon वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कॉमन है, याद रखना यहां पे R1 हो गया प्लस V अपॉन R2 हो गया, V अपॉन R3 हो गया। देखो V कॉमन आ गया यहाँ पे भी, V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, वी भी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बन गया आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, जितने भी होंगे वो ऐड होते चलेंगे ठीक है इन पैरेलल में। तो हमेशा याद रखना सीरीज में वोल्टेज जुड़ते हैं ठीक, करंट सेम रहता है और आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इस फॉर्म में आपका रेजिस्टेंस जुड़ते हैं ठीक। इसी तरीके से पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट जुड़ता है तो उस हिसाब से वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री होता है और यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है। क्लियर है इतनी बार, इतनी बार क्लियर है। हम लोग यहाँ पे जो आगे बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर को तो हम लोग पी से डिनोट करते हैं ठीक। तो पावर जो होती है वो वर्क डन वन टाइम होती है, कितना टाइम लगा किसी काम को करने में, किसी काम को करने में कितना टाइम लगा वो उसकी पावर कहलाती है ठीक। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, बट वॉट ओके। तो मैं मजाक में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता था स्कूल में, तो याद है ना कि वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो मैं आंसर ही दे रहा हूँ था वॉट में एच को साइलेंट करो वॉट हो जाता है ठीक। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर क्लियर, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। अच्छा अब यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्वेश्चन कर लो मुझे लगता है ठीक। इसकी जो डेफिनेशन वो बने क्या होगा कि इन अ यूनिट टाइम हाउ मच वर्क इज डन इज इक्वल टू पावर। कोई भी आपको डेफिनेशन बनानी तो आप कैसे बना सकते हो, देख लो इस नीचे वाली चीज को आप कर दो यूनिट, इन यूनिट टाइम ओके अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड, जो यहां पर लिख दो पावर क्लियर, इतनी बात ठीक है। इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट कर लोगे इसमें वैल्यू पुट करके। टाइम यहाँ पे आप याद रखना सेकंड में ही रहेगा, डब्ल्यू जो वर्क है वो आपका जूल में ही रहेगा ठीक, और पावर आपकी वाट में आएगी ठीक है। यहाँ पे हम लोग इससे कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं ठीक। जरा देखो वी इज इक्वल टू आई आर आपको पता होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ठीक। अब जरा आपको एक और चीज पता है I is equal to Q upon T. क्या हम Q की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, Q is equal to I T. Current into time को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज मिलेगा ठीक है। टोटल चार्ज की वैल्यू यहां रखें, W is equal to V into Q को इधर ले जा रहा हूं, Q को भी इधर ले जा रहा हूं, Q की वैल्यू है I T, तो क्या W is equal to V I T बना, W इज इक्वल टू VIT बना, इतनी बात समझ आई। फिर से देखो यहां यूज नहीं हो रहा है ठीक है, देखो V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, Q की वैल्यू होती है IT, I इज इक्वल टू Q अपॉन T से IT वैल्यू रख दो मल्टीप्लाई हो जाएगी V से और आ जाएगा VIT ठीक। अब जरा इस VIT को यहां पुट करें ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने रख दिया इस W को VIT तो पावर की एक और फॉर्मूला आ गया, क्या आया V I T over T, P T cancel means power is equal to V into I. ये चीज देखिए आपने, पावर का एक और फॉर्म आ गया। यहां तक की बात जो हुई आपको सबको समझ आ चुकी है, इससे मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पे देखिए पावर का हम लोगों को एक और फॉर्मूला मिल गया, P is equal to V I ठीक। ये पावर का जो फॉर्मूला है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, V ये वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में है। अगर आपको वोल्टेज करंट दे रखा और आपसे पावर पूछ लिया तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही चीज आपको I R के रिस्पेक्ट में दी जाए, R V के रिस्पेक्ट में दी जाए ठीक, तो भी आप इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, P इज इक्वल टू आपको I और R के फॉर्मूले चाहिए, आई तो है, वी को हम लोग चेंज कर देते हैं आई आर लिख देते हैं। आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां पे V की जगह I R into I, यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एक और फॉर्मूला जनरेट होगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R क्लियर। दूसरा
अब हमें चाहिए आर और वी के टर्म में, यानी हमें आई को बैप करना पड़ेगा। तो पी इज इक्वल टू वी इंटू आई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, v इज इक्वल टू आई, अब से अगर आई की वैल्यू निकाले तो आएगा v अपॉन आर, पुट कर दे आई की वैल्यू v अपॉन आर, तो यहां से p इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर आ गया, एक नया फॉर्मूला। तो पावर के कितने फॉर्मूले होंगे, p इज इक्वल टू w अपॉन t फर्स्ट, p इज इक्वल टू vi सेकंड, p इज इक्वल टू i स्क्वायर r थर्ड, p इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r इज फोर्थ। तो पावर के चार फॉर्मूले हैं और इससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके फॉर्म हो सकते हैं, तो याद रखिएगा पावर के सारे फॉर्मूले, पावर की यूनिट आपके वाट ही रहेगी। ठीक, कभी कभी आपसे एक और टाइप का क्वेश्चन आता है किलो वाट आवर, उसके बारे में इसे रब करके देखते हैं। अब जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो जो हम लोगों के घरों में यूनिट आती है, यूनिट की 137 यूनिट हो गई, 200 यूनिट हो गई, इतने यूनिट आपकी यूज हुई है, कंज्यूम हुई है, तो वो भी पावर है। वो कैसे है वो देखते हैं। तो इसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, देखते हैं। यह होती है 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर, देखो आपको पता है 1 वॉट की मैंने बात की है, ठीक, और 1 किलो, किलो का मतलब ही होता है कि उसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा। और आर की बात कर रहे हैं, आर तो पावर में आपको पता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू पॉन टी होता था, और हमें यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में चाहिए इसे, ठीक, तो पावर की मल्टीप्लाई कर दो टी से, तो पावर तो आपकी आ गई किलोवाट, किलोवाट में आपके कर दोगे 1000 वॉट। आप इसे लिखोगे 1 किलो वॉट आर को आप ऐसे लिखोगे कि 1000, ये तो आपका किलोवाट हो गया, और आर, एक आर में कितने सेकेंड्स होते हैं, टाइम है ना यहाँ पे, तो कितने सेकेंड होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक और में होते हैं 3600 सेकेंड। जिसे नहीं समझ आया वो समझ लो कैसे आया 3600, 60 मिनट में 60 सेकेंड और एक आर में 60 मिनट्स, तो 60 into 60 इतना आ जाएगा सेकेंड इन 1 आर, क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा कि 3.6 × 10⁻³ ओके, तो ये आपकी आ जाएगी 1 किलो वाट आर की वैल्यू, और ये होगी जूल में, 1 किलो वाट आर जो होगी वो जूल में होगी, 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स, क्लियर है इतनी बात। अब जो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट कि करंट में किस हिसाब से, किस वजह से हीटअप हो जाती हैं हम लोगों के अप्लायंसेस, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए रेजिस्टेंस का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जब हम लोग बात करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, उसे स्टार्ट करते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VQ हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे, ये आपकी जो है ना ये एनर्जी है, वर्क जो है एनर्जी है, ठीक, इसी को मैं हीट फॉर्मेट में लिखूंगा, ठीक। अब जरा यहाँ पे देखिए, V को मैं IR लिख दूं, क्या ओम्स लॉ ये नहीं कहता कि V इज इक्वल टू IR, तो मैं लिख देता हूँ, तो V इज इक्वल टू IR मैंने लिख दिया। Q इज इक्वल टू IT नहीं होता क्या, Q इज इक्वल टू IT होता है, Q इज इक्वल टू IT, ये कहाँ से आया था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T से, इतना तो पता है, I स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू की वैल्यू मैंने क्या निकाली, यहाँ पे जो वर्क डन निकल रहा है वो कितना, आई स्क्वायर आर टी मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो आई स्क्वायर आर टी है ये आपका हीट प्रोड्यूस्ड कहलाती है,
ये जो आपका बना इसे अगर मैं H लिखूँ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सो दिस इज कॉल्ड हीट प्रोड्यूस्ड। कितनी हीट बनी। अब जो हीट बनी वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एक करंट कितना उसमें फ्लो हो रहा है, दूसरा कितना उसका रेजिस्टेंस है, तीसरा वो कितने टाइम तक उसमें फ्लो हो रही है। बहुत अच्छे समझना, पहली चीज है कि करंट उसमें कितना है उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, दूसरा है कि उसमें रेजिस्टेंस कितना है उस मटेरियल का उस पे, और तीसरा है कितने टाइम तक वो उसमें से फ्लो कर रही है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज दिस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आई एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच प्रोपोर्शनल टू आर, एच प्रोपोर्शनल टू टी, टाइम पे, रेजिस्टेंस पे और करंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो करंट की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे हीट के लिए, ठीक है। ज़्यादा करंट होगा ज़्यादा हीटिंग होगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा हीटिंग होगी, ज़्यादा टाइम तक रहेगा ज़्यादा हीटिंग होगी। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने लगभग लगभग सारी चीज़ें, मुझे जहाँ तक नॉलेज है उतनी मैंने आपको बता दी है इलेक्ट्रिसिटी में, जो 10th क्लास की फिजिक्स है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नए हैं मेरे चैनल पर, और प्लीज़ लाइक करके हम लोगों को प्लीज़ हैप्पीनेस एक दें। और एक याद रखिएगा आप चीज़ कि अगर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस ज़िंदगी में हेल्प करने की, तो प्लीज़ आप हेल्प ज़रूर करिए। आपको पता है कि इस वक्त अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, लोगों को, लोग बहुत दूर रहते हैं, लेकिन उन्हें कनेक्टिविटी है, जिस वजह से क्या हम लोग शेयर नहीं कर सकते, हम लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं। अच्छे टीचर्स के एटलीस्ट तो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आप बेकार से मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, आप व्हाट्सएप पे चुटकुले फॉरवर्ड करते हैं, जोक्स करते हैं, वीडियोस करते हैं, जो भी आपके अनवांटेड होते हैं, जो भी मतलब जिनकी नीड नहीं है, और ये तो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ये आपको क्लास 10th में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।